यो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पेपर 29 अगस्त के दिन होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप लोगों का प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट उनका एग्जाम 2024 में हो रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा इसमें टाइम 1 घंटा 30 मिनट का आपको दिया जाता है, टोटल 200 जो ना टोटल आपका 50 मिनट का एग्जाम होता है, विषय कोड वगैरह 300 आपका 25 रहेगा, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बताते चलेंगे और आगे मैं आपको इसका PDF कैसे डाउनलोड करना ये भी सिखाऊंगा ताकि आप लोग जो है ना आराम से इसका आंसर की वगैरह डाउनलोड कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 1 से 30 तक प्रश्न आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जनक किन्हीं कहा जाता है, तो पहला का बिल्कुल नोट करना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अगर जो ना अगस्त जो ना कॉमट, यानी ऑप्शन बिल्कुल ये नंबर राइट होगा। दो नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, तो बिल्कुल याद रखना है ये हो जाएगा जो है ना डी नंबर, यानी कि पारिवारिक हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 नंबर बोला गया कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, तो देखिए सामाजिक समस्या जो नहीं होगा ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया जा रहा है आधुनिकीकरण, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हिंदू विवाह के किस स्वरूप पर स्वरूप में एक जोड़े बैल और गाय की मांग की जाती है, तो बिल्कुल नोट करिएगा ये जो विवाह है ना कौन सा विवाह होगा, बिल्कुल आर्द्र विवाह, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी, तो 5 का ऑप्शन सी नोट करना है, ये हो जाएगा 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो बिल्कुल ये जो कहना था ये था मजूमदार का कहना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपसे बोला गया कि निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज देने की योजना की शुरुआत की गई थी, तो 7 का ऑप्शन सी नोट करना है, ये हो जाएगा आपका 1977 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन की भारतीय समाज किस आश्रमों में विभाजित था, तो आप नोट करेंगे 8 का ऑप्शन बिल्कुल ये होगा, यानी कि 4 विभाग में विभाजित था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की थी, तो ये V.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न आपसे बोला, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है, तो बिल्कुल देखिए 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि आपका ग्राम कचहरी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जाति का उपरा जातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, आपका हॉवर्ट रिजरे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट होगा। 12 के किस सामाजिक में पेशा विवाह का प्रचलन था, तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन ए नोट करना है, हिंदू समाज में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 13 नंबर को देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था, बिल्कुल 13 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समाज का निर्माण निम्न में से जो है ना किससे होता है, तो 14 का बिल्कुल ऑप्शन डी नोट करना है, ये होगा इनमें से सभी संस्थाओं व्यक्तियों और सामाजिक संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि धर्म में जो है ना टोमटवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो 15 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि दुगी जो ना दुखीम ने दिया था। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न, बोला कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शामिल के क्या कारण थे, तो 16 का नोट करना है, ऑप्शन डी यानी कि जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन एक वर्ग है, तो बिल्कुल याद रखना है 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मण वर्ग है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों, क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है ना यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना क्या बोला जाए प्यार बच्चों, ध्यानपूर्वक यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 18वां क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा हिंदी। तो चलिए पहले मैं इसका आपको वीडियो डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में क्या कर लो, गूगल को ओपन कर लो, जल्दी से आप लोग ओपन कर लो गूगल। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, ठीक है मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में ही आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको जो है जैसे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो क्लास देखोगे आप लोग जो है ना 12th का सेशन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है ये क्लास 12th का सेशन है, बिहार बोर्ड क्लास 12th फर्स्ट में एग्जाम यहाँ पर लिखा, इस पर क्लिक करोगे
क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉलिंग करोगे नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे आना, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे आप लोग, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ देखना साइंस का सेशन मिलेगा और इसी में आपको जो है सोशियोलॉजी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। एक सेकंड देखो, यहाँ पर अभी नहीं हुआ, आपको रिफ्रेश कर लेना, हम बताना ही भूल गए, पेज को रिफ्रेश कर लेना, नीचे की ओर खींच के पेज को रिफ्रेश करना, तभी आंसर कि आपका जो है अपडेट हो पाएगा, मतलब अपडेट किया गया वो डाउनलोड हो पाएगा ना। तो आप जब भी आओ तो रिफ्रेश यहाँ पर कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ मिलेगा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के सामने डाउनलोड, डाउनलोड पर आपको फिर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना पेज को रिफ्रेश आपको कर लेना है प्यारे बच्चों। तो देखो रिफ्रेश यहाँ भी करना, क्योंकि आंसर की जैसे ही डाला जाएगा तो वो रिफ्रेश करने के बाद ही आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, तो ये काम जरूर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे आओगे तो दो नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा पांच नंबर वाला क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन उसका उत्तर यहाँ मिलेगा। तो आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर वाला है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु जो है ना किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 19 का ऑप्शन आपको नोट करना है, सी करेक्ट होगा, या मदर टेरेसा को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो ना मर्डॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है। तो 20 का ऑप्शन आपको डी नोट करना है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 21 नंबर बोला जा रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। तो बिल्कुल 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा MN जो ना श्री निवास ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर पूछा जा रहा है, ये बोला धर्म की उत्पत्ति के जो ना धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि आपका टाइटल होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अहिंसा परमो धर्म धर्म किस धर्म की शिक्षा है। तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जैन धर्म की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आपका हो जाएगा SC दुबे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 को देख लीजिएगा, ये बोला निम्न में से कौन मारक द्रव्य जो ना वसन एवं मद्यपान का कारण है। तो 25 का नोट करना है ऑप्शन डी, यानी कि ये जो डी हो जाएगा यानी कि आपका इनमें से भी होगा। 26 है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 26 का ऑप्शन ये हुआ 1955 ईस्वी में। और 27 है कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 27 का ऑप्शन जो है ना मुझे प्रॉपर नहीं याद है प्यारे बच्चों, ऐसे ये सोनार्ट हो जाना चाहिए बट आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मेरे को अच्छी तरीके से नहीं याद है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 28 है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी मिला था। तो यह था तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। 29 है कि किस वर्ष संसद में 3 तलाक कानून पास हुआ था। तो वो जो वर्ष था ना आपको याद रखना है 2019 में पास हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 30 नंबर, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है। तो याद रखना ऑप्शन ए होगा, आदिवासी समुदाय में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर जहां से डाउनलोड करने बताऊं जाकर के डाउनलोड कर लो। इसके अलावा मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं सब्जेक्टिव का आंसर डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को और भी प्रेस कर लेना।